हेलो दोस्तों, फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब हमारा इंतज़ार खत्म हुआ क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आ गया है 10 मार्च 2021 को, जो सामने दिखाया गया। ये हमारा लखनऊ से नोटिफिकेशन आया है। इसमें जो हमने फॉर्म भरे हुए थे सन 2019 में, जो फॉर्म भरे हुए थे, देखिए इसमें दिखाया गया है सन 2019 में फॉर्म भरे हुए थे और इस वैकेंसी का नाम था सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में जो वैकेंसी निकली थी वो 486 वैकेंसी थी। ये मैंने सर्किल करके जो दिखाया है, जो 2019 में फॉर्म भरे थे, तो 486 वैकेंसी दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। तो 486 वैकेंसी का आपको चांस है कि आप उसमें से एक जगह पक्की कर सकते हैं और आपके पास अभी मौका है। इसका जो पेपर डेट है वो मैं आगे बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें ये पेपर डेट दिखाई गई है। इसमें जो हमारा पेपर होगा 25 अप्रैल 2021 रविवार के दिन हमारा पेपर होगा। तो इस डेट का आप ध्यान रखिए क्योंकि जो हमारी 486 वैकेंसी है वो बहुत अधिक वैकेंसी है। आपको ये सोचना चाहिए इस समय पर कि इस समय के दौर में 486 वैकेंसी, क्या आपको 50 वैकेंसी भी देखने को नहीं मिल रही है? तो ये जो वैकेंसी है पुरानी वैकेंसी है, 2019 की वैकेंसी है। जो हमारा पेपर जो कोरोना के चक्कर में ड्यू था, तो ये पेपर हमारा होने वाला है। तो डेट को ध्यान रखिए 25 अप्रैल 2021। और इसमें एक बात आपको बताने वाला हूँ मैं कि इसका जो पेपर होगा ये 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर में इसके 60+40 यानी 60 नंबर का जो आएगा ये हमारा फिटर थ्योरी आएगा। तो फिटर थ्योरी का हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहता है क्योंकि फिटर थ्योरी हम चैनल के द्वारा, हमारा जो चैनल है फिटर फाइटर उसके द्वारा या हम बुक्स के द्वारा ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ के हम तैयारी कर सकते हैं। और जो 40 नंबर का आता है वो नॉन टेक्निकल आता है। इसमें 40 नंबर जो है, इसमें 40 नंबर का जो आएगा इसमें मैथ भी आएगी, साइंस भी आएगी, हिंदी भी आएगी और रीजनिंग भी आएगी। तो इसका भी हम नॉन टेक्निकल की 40 नंबर की भी तैयारी कर सकते हैं चैनल के द्वारा या हम किताबों के द्वारा। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी वैकेंसी है तो इस वैकेंसी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, हम 100% सेलेक्ट होंगे। इसका दूसरा प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो टाइमिंग है 2 घंटे की टाइमिंग है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 100 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से अधिक का टाइमिंग है, जबकि अन्य एग्जाम में एक क्वेश्चन करने के लिए हमें लगभग 40 से 45 सेकंड मिलते हैं क्योंकि हमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको दोनों प्लस पॉइंट बताए। सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि वैकेंसी कितनी है, 486 वैकेंसी, जो सामने मैंने सर्किल करके दिखाई है। दूसरा मैंने प्लस पॉइंट बताया है कि इसमें टाइमिंग अच्छी है। तीसरा प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसमें थ्योरी आ रही है, थ्योरी आने से हम थोड़ा सा फाइटिंग में आ सकते हैं। तो आप थ्योरी भी पढ़िए, आप नॉन टेक भी पढ़िए क्योंकि दोनों हमें एक साथ पढ़ना है। और अभी एक प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम है वो 17 तारीख को होने वाला है। तो हम यूपी मेट्रो के लिए भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो 17 अप्रैल को होगा, ये एग्ज़ाम हमारा 25 अप्रैल को होगा। तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी करने में एक फ़ायदा ये है कि हम दोनों एग्ज़ाम हमारे सेम पैटर्न पर है तो हमारी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, हम एक ना एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट ज़रूर होंगे। तो दोस्त, आप तैयारी करिए और हमारी तरफ से आपको जो भी सहायता होगी हम आपकी सहायता करेंगे। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, लिख करके बता सकते हैं। तो दोस्त, जो जानकारी मैंने दी यदि आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स करना। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।